उनके आंसू बहाने से क्या फायदा साहिबा? पहले तो बड़ा बढ़ चढ़ के गैरी की मदद कर रही थी, तो अब अपनी गलती की सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। और वैसे भी तूने अपने और अंगद के रिश्ते को तो कभी अहमियत दी ही नहीं, तो अब भुगत। वाह, देखो जरा कौन कर रहा है रिश्तों की बात। तुम्हारा वे अंगद से होने वाला था ना, लेकिन वो रिश्ता तो तुमसे संभला नहीं, फिर तुमने गैरी से शादी की, वो भी भाग कर, वो रिश्ता भी टूट गया, और अब तुम साहिबा को रिश्तों का पाठ पढ़ा रही हो। मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम सड़ती हो अपनी बहन से। क्योंकि चाहे अंगद साहिबा के रिश्ते में कितने भी उतार चढ़ाव हो, पर साहिबा ने हमेशा अपना रिश्ता संभाला है। और क्या हुआ अगर अंगद आज साहिबा से नाराज है? नाराजगी भी तो अपनों से ही होती है ना, और देखना तुम ये नाराजगी भी साहिबा बहुत जल्दी दूर कर देगी, मुझे साहिबा पर पूरा भरोसा है। अंगद, कल का लोहड़ी का फंक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मम्मा, लेकिन घर में ही हमारे रिश्तों में इतनी कड़वाहट है कि पता नहीं बाहर वालों के सामने हम अपनी क्या इमेज दिखा पाएंगे। कल हमारे सारे इन्वेस्टर्स आने वाले, हमारे ब्रांड के डूबे हुए नाम को वापस ऊंचाई पर पहुंचाने का बस यही एक मौका है हमारे पास। कल कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए।